हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रैकर्स में आपका। फ्रेंड्स, 27 सितंबर का ऑल शिफ्ट का पेपर मैं लेके आ चुका हूँ नेवी एमआर का। तो फुल पेपर सॉल्यूशन हम करेंगे इस पीडीएफ में, और इस पीडीएफ के बारे में जानेंगे कि ये लेवल कैसा आया है, मॉडरेट, टफ, ईजी, तो पूरा जानकारी ले लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि जैसे ही नए वीडियो नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो बेन किंग्सले। ठीक है, ये क्वेश्चन रट लीजिए एकदम। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया? तो आंसर आपका हो जाएगा 1945 ईस्वी में। ठीक है, कितना में गिराया गया था? 1945 ईस्वी में। भांखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्र पुष्प क्या है? तो ये कमल आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। खिलाड़ी धनराज पिल्लर कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो कुल 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन सी सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो स्थान है, सिंधु सभ्यता का स्थान, वो वर्तमान पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह नदी प्राय द्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, कौन सी नदी? तो यमुना नदी। यह कैसा शहर है जो गंगा तट के किनारे पर बसा है? तो कन्नौज शहर और कन्नौज और कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ता है? तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को आपस में जोड़ता है। यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, कौन सा शहर? तो नासिक शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में स्थित है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवम्बर के प्रारंभ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर पाया छाया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ाया गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी, कौन सा राजा? तो अकबर ने। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं हैं होती हैं? ये वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 विद्रोह क्या है? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो ताले बनाने के उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। भारत के डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लिए लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहनामा किसकी कृति है? तो ये फिरदौसी की कृति है। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो ये इम्फाल हो जाएगा करेक्ट आंसर। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो 1964 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो जम्मू कश्मीर जो है ना, अनुच्छेद 370 भारत में के इसी राज्य में लागू है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तांत्या टोपे के सहयोग से उन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम है? तो कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? तो ए ओ ह्यूम।
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज के सारे शिफ्टों में हमने कलेक्ट किया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही नए नोटिफिकेशन मिले, बेल आइकन को ऑन करते हुए आपको जैसे नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।